दोस्तों नमस्कार, मैं अमित मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस की रीजनिंग की ये फर्स्ट क्लास है, जिसे हम डेमो क्लास भी कह सकते हैं। थोड़ा सा मटेरियल लेके आया हूं, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुने। चैप्टर का नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, यानी आकृतियों की गणना करना। हर परीक्षा, कोई परीक्षा अछूती नहीं है जिसमें ये सवाल न पूछा जाता हो। किसी में दो दो भी पूछ लिए जाते, किसी में एक पूछा जाता, किसी में दो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज इसी पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, जो कि सभी का भला हो सके। तो काउंटिंग ऑफ फिगर, ज़्यादातर आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि एक आकृति दी रहती है जिसमें सारे त्रिभुज वगैरह बने रहते, कहा जाता है इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे। अक्सर इस तरीके के सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेरा है त्रिभुजों की गणना। त्रिभुजों की गणना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें टाइप वन आपका जो आता है, ये क्वेश्चन है, इसके लगभग 6 या 7 टाइप्स हैं, उसी से आ जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ध्यान से देखें, ये बहुत ही अच्छा सवाल रहता है, उम्दा सवाल रहता है, जो कि अक्सर थोड़ा सा ध्यान न देने का तो गिनती में गड़बड़ हो जाता है। लेकिन मैं आज आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप भी कहेंगे हाँ मज़ा आ गया। इन आकृतियों में हमें त्रिभुज की गणना करनी है। जब इस तरीके की आकृतियाँ हों कि किसी केंद्र से, मान लीजिए इसी वाले ये भुजा से सारी रेखाएँ निकल रही हों, आधार पर पड़ रही हों, तब इसको काउंट करने के तमाम तरीके होते हैं। एक तो तरीका यह है कि हम एक एक करके त्रिभुज गिनें, 1, 2 और 1 पूरा, 3 होंगे इसमें आकृतियाँ। लेकिन ये बड़ा जब आ जाएगा फिगर्स, उसमें हमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए क्या होता है, इसमें हमें नंबरिंग डाल लेनी है, लाइनिंग 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं, इन दोनों को जोड़ लो, 1 + 2 = 3, यानी 3 त्रिभुज होंगे इसमें। ट्राइंगल्स कितने होंगे, 3। इसमें 1 + 2 + 3 = 6, यानी इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 6। इसमें 1 + 2 + 3 + 4 = 6, 3 + 7 = 10, इसमें 10 त्रिभुज होंगे। कितना इजी है अगर इसको बढ़िया से देखा जाए। अक्सर सवाल गलत हो जाता है, या तो गणना करने में या हमें चित्र देखने में, वहाँ हम गिनते एक एक करके समय भी ज़्यादा लगता है, उसके बाद हमारा सवाल भी गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें अब तुक्का नहीं मानना है, ये टाइप वन हो गया। टाइप वन में इस तरीके का भी आ सकता है, टाइप वन में आपका इस तरीके का भी आ सकता है, जैसे कि एक ही रेखा ये आ गई, एक रेखा ये आ गई और एक रेखा ये आ गई, और एक ये है और एक ये है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी, अक्सर पूछ लिया जाता है सवाल। ज्यादा टफ नहीं है, कोई नंबरिंग डाल लेना, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। अब इसके कितने हो गए, 10, इसको जोड़ा कितने हो गए, 10, इसको जोड़ा कितने हो गए, 10। तो कुल कितने हुए, 10 + 10 + 10 = 30, यानी कि इसमें कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, इसमें त्रिभुजों की संख्या 30 है। पैटर्न यही होना चाहिए, खड़ी रेखाएं पड़ी हों, खड़ी रेखाएं किसी भी शीर्ष से निकल रही हों और आधार पे पड़ रही हों, तो त्रिभुजों की गणना हमें इस तरीके से करनी है। देखिए ये टाइप वन का इस तरीके का हो गया, इस तरीके का प्रश्न आए निकलना नहीं चाहिए। अब देखते हैं हम लोग टाइप टू, फटाफट अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें, जो कि ज्यादा लोगों तक ये फैला दो पूरी तरीके से। अब आ जाता है, मान लीजिए कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर दिया है, ये मान लीजिए रेक्टेंगल या स्क्वायर है, अब इसमें पूछ लिया जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। ये ना हो के मान लीजिए ये हो, इस तरीके का अगर हो, और इसमें तो थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए यहाँ पे, इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ सकता है। ये ना हो के ये हो सकता है, ये टाइप टू है या टाइप बी, इस तरीके का
इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जा सकती है। देखिए इन त्रिभुजों को हमें पहचानना ऐसे, या तो स्क्वायर रहेगा या रेक्टेंगल रहेगा, वर्ग रहेगा या आयत रहेगा, जिसमें सारी रेखाएं आके सेंटर पे मिले, पहचान यही है, सारी रेखाएं आके सेंटर पे मिले। तो उस तरीके के सवाल लगाने के लिए सर्वप्रथम हम नंबर डाल लेंगे, 1 2 3 4, चार कितने नंबर हुए, 4। तो यानी कि 4 को मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, बराबर कुल इसमें त्रिभुज है 8। ये आपका आंसर है 101%, मेरा आंसर आना चाहिए चाहे कैसे भी आए, आंसर आ गया आपका 8 त्रिभुज। गिनेंगे तो हो सकता है 1 मिनट लग जाए, उसके बाद भी गलत हो जाए। अब इसमें 1 2 3 4 5, तो 5 × 2 से मल्टीप्लाई हमें कर देना, इस तरीके अगर सेंटर पर आके रेखाएं मिलती हैं तो 10। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 × 2 = 16, इसमें 16 त्रिभुज होंगे। देखिए मित्रों कितनी गजब की ट्रिक है, पहली वाली में खड़ी रेखाएं पड़ी थी तो इन सारे को हम जोड़ लेते थे, लेकिन इसमें क्या है कि सारी रेखाएं सेंट्रल पे आके मिल रही हैं, केंद्र बिंदु पे आके मिल रही हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आशा है कि आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं हम त्रिभुजों की गणना चल रही है, ये डेमो क्लास है और 1 अक्टूबर के बाद से मैं जो है रेगुलर पुलिस के रीजनिंग और मैथ का क्लास लूँगा, आप लोग जुड़िए और इन्जॉय करिए। अगर मान लीजिए इस तरीके के सवाल हो टाइप 3, जिसमें कि हमें थोड़ी सी हल्की पुल्की दिक्कत हो जाए, लगता है कि ये पता नहीं क्या इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछ ली जाए, और या फिर इस तरीके को त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो, कई सारे त्रिभुज हो सकते हैं, इनमें त्रिभुजों की संख्या पूछी गई, तो ये कठिन नहीं है, हमें सिर्फ एक सूत्र लगा देना है 4n-3। n क्या है, n यहाँ पर है त्रिभुजों की, त्रिभुज के अंदर, और एक तो टोटल त्रिभुज है और एक ये बाहर त्रिभुज है, यानी 2 है, यहाँ n बराबर हमारा 2 है, n बराबर 2, और यहाँ n बराबर 1 2 3, n बराबर 3 है। इसमें जब हम रख देंगे तो पहली आकृति में देखते हैं 4 × 3-3, तो 4 × 12 − 3 = 9, इसमें 9 त्रिभुज है, इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, 4n-3 नहीं, इसमें 2 लगेगा, सॉरी 4 × 2 = 8, 8 में से 3 गए तो कुल 5 त्रिभुज आ गए हमारे, इसमें 3 लगेगा n बराबर, तो 4 × 3-3 = 12 − 3 = 9, इसमें 9 त्रिभुज होंगे, यानी 4n-3 वाला सूत्र में लगा, जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बन रहा हो तब ये रूल फॉलो होगा। दूसरा टाइप हो गया, अब आइए हम बढ़ते हैं तीसरे टाइप की तरफ। तीसरा टाइप हमारा ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरीके का हो अगर सवाल, इस तरीके का, यानी ऐसी लाइन और ऐसी लाइन बराबर होनी चाहिए तब ये फॉलो होगा नियम, बराबर होनी चाहिए और अंदर विकर्ण भी हो, अगर अंदर विकर्ण भी है तब हम देखते हैं कोई सी दो किनारा, मान लीजिए एक किनारा ये और एक किनारा ये, यहाँ हम क्या करते हैं वो थोड़ा सा नंबरिंग डाल लेते हैं, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, एक किनारा ये, जरूरी नहीं हम इन्हीं दो पे डालें, इन दो पे डाल सकते हैं, बराबर रहेगा हर जगह, तो 1 2 3 4, यानी कुल कितने 4, तो 4 को 8 से गुणा कर देंगे, बराबर 32 हो जाएगा, यानी उसमें कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं 32। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब इस तरीके की आकृति हो जिसमें विकर्ण भी निकल रहे हो और ऐसी ऐसी रेखाएं और ऐसी ऐसी रेखाएं बराबर हों, जब खड़ी रेखाएं 2 हैं तो पड़ी रेखा भी 2 है, इस तरीके का अगर रहे तो आप दो कोण, बीच के दो कोण, मान लीजिए ये छोड़ के ये छोड़ के ये, तो दो बीच के हैं, बीच के दो कोण ले लेंगे एक साइड में इसमें, और एक चाहे इधर ले लें, दो इधर बनेगा, तो 1 2 3 4, यानी 4 तक रहेगा, तो 4 × 2 = 32, तो 32 त्रिभुज है। अब ऐसा ना हो कि 3 कोण वाला हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, इस तरीके का अगर हो 3 पड़ी रेखाएं हैं और 3 खड़ी रेखाएं हैं और विकर्ण भी है,
तब हम क्या करते हैं, वही बीच का आपको गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो कुल कितने 6 हुए, तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48, इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे 48, इसमें कुल कितने होंगे 32। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो मित्रों इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा धीरे धीरे, और इसी तरीके के अक्सर सवाल आते हैं। एक दो टाइप जो रह गया अगले वीडियो में कराएंगे। जय हिंद दोस्तों।